ये तो बस शुरुआत है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे सपोर्ट करके और आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको कंफ्यूज करके जो जा रहा है वो कौन है पता है? बताऊंगा तो तड़प जाओगे। बताऊं कौन है? तो बताते क्यों नहीं, वैसे भी सब कुछ जानकर ही तो तुम इन्हें खरीदते हो। ये तो पक्का है तू नहीं जानता, वो है तेरा बेटा। ए, शौक क्यों? पुलिस वाला है ना, जाकर पता लगा लेना फिर। सर, शिवा के बारे में कुछ पता चला है। पहले उसका नाम शिव कुमार था, जिसे बाद में बदलकर शिवराज पांडे कर दिया गया। महाराष्ट्र के एक मुस्लिम अनाथाश्रम में पलकर बड़ा हुआ है सर। वहां के रिकॉर्ड से हमें उसकी एक फोटोग्राफ मिली है सर। बहन, सर अभी तक घर नहीं आए? त्योहार के दिन भी ड्यूटी करते हैं। हमें देखो, हम भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन त्योहार परिवार के साथ मनाते हैं। और ये इकलौते पुलिस वाले हैं जो आज भी देश की सेवा में लगे हैं, वो भी त्योहार के। अपने पापा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, आप जा सकते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल तमीज नहीं। शिवा, 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 उठो, तुम्हारे पापा उठा के जरूर लाए होंगे। सुबह जल्दी आ जाना। ओके सर। ये क्या जी, आप बच्चे के लिए कुछ नहीं लाए? पटाखे लाने थे। मैं भूल गया बेटा, अभी जाकर ले आऊं पटाखे। कोई जरूरत नहीं, सारे पापा अपने बच्चों के लिए पटाखे लाते हैं, पर आप हर साल ऐसा करते हैं। शिवा, शिवा, अरे रे बेटा संभल के, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ए, हाँ? क्या देख रहा है, आकर रिक्शा में बैठ जा। पापा मेरे साथ कभी नहीं। चलो चलते हैं। मेरी हर खुशी में, हर एक दुख में बस मेरी माँ मेरे साथ है। माँ, मैं अपनी बहन के लिए ये ले सकता हूँ? तुझे कैसे पता कि बहन ही होगी? नाम भी सोच लिया मैंने। बाप रे बाप, क्या नाम सोचा है? नित्या। शिवा, शिवा, गुड बॉय। अरे अरे शिवा, ये क्या हो गया? माँ, सिचुएशन कंट्रोल में तो है। पापा, पापा, माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। सर, आप जल्दी चलिए ना। इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ की कंडीशन बहुत खराब है, हमें जल्दी निकलना होगा सर। सुनो हवलदार, मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम बच्चे के साथ जाओ, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। पापा, पापा जल्दी चलिए ना। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? चलो। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन न किया गया तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है, जल्दी पैसे भरने होंगे। एक और बात, जब तक इनके पापा यहाँ पर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते तब तक ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। प्लीज आप मेरे पापा को जल्दी बुलाइए ना। हाँ बेटा, मैं बुलाता हूँ। उस दिन पापा मेरा दुख बांटने के लिए भी नहीं आए, पर माँ के ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बेटा, तुम्हारी माँ और बहन दोनों चल गए। उस दिन मुझे लगा कि वो गुस्से में भाग रहा है, पर आज पता चला कि वो बदले की आग में भाग रहा था। उस दिन मैं अपनी पत्नी और बच्चे की जान नहीं बचा सका, और शिवा उस समय कुछ समझ ही नहीं सकता था। एक पुलिस ऑफिसर के नाते आपने जो किया वो सही है, पर आपके बेटे का गुस्सा बिल्कुल जायज है सर। मुझसे बदला लेने के लिए वो जीके को सपोर्ट कर रहा है, कल उसे बुलाओ, मुझे उसे कुछ बताना है। ठीक है सर।